अब ना मजा आ रहा है चलाने में। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। मजेदार शानदार कमाल जामर जामर टेंपर मांग कोट हुमाए की हो कोई कोई हो या सवाल ग्लास पेन लेता हूँ तब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये जैकेट ना ये फट गया। ये लास्ट टाइम जब राइड पे गया था तो वहाँ पे आते वक्त एक्सीडेंट हो गया और ये जैकेट थोड़ा सा नीचे से फट गया तो इसको भी चेंज करवाना है। सोच रहा हूँ राइनोक्स का जो टूरिंग जैकेट है उसका ही ले लूँ। अभी अभी ये फ्लैग खरीदा मैंने। बड़ा वाला झंडा लगाने से पीछे लगाना पड़ता है और उसको नज़र में रखना पड़ता है कहीं ना गिर जाए। अरे बाप रे। अरे अंकल जी कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। सो ये नया हमारा नगाँव का जो क्लॉक टावर है ये बन के तैयार है। इसमें घंटी भी बजती है। ओ बाबा की खबर भाई। वाह मानो देखुन ऊपर এটা হলো এটা ডাঙৰ বেয়া লাগিব নহয় দেখুন দিয়া নালাগে এটা থাকুকছন ছায়াতে দুলোয়া বলে তাকে জানো সবে দেরি গাই হয় এখন মোৰ দেরি গাই আল্লাহ মেহরবান আল্লাহ মেহরবান কেসা হ্যাঁ স্কুল লেকে যায়গা तेरी पैनिया वैनिया लगा के मस्त आज मतलब आसी ट्रेल है ना। अच्छा इसके साथ आता है क्या ये पैनियर एक्स्ट्रा। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध हिमाचल यमुना गंगा चैनल मोटो वॉयज एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। सो ऑल सेट फॉर राइड। यहाँ पे जस्ट आपने देखा कि फ्लैग होस्टिंग हो गया, सब लाइनअप हो चुका है और भी बाइक्स दो तीन बाइक्स रह गए हैं वो सब आ रहे हैं। ये रहा यहाँ का जनरल मैनेजर रूपम। अगर बाइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके पास आ जाना, इसको दो चार गाली दे देना सब ठीक हो जाएगा। मजाक करो ये मेरा दोस्त है। नए भी हैं पुराने दोस्त भी हैं, मिलकर अच्छा लग रहा है। लाइनअप हो चुका है आ चुका है तो यहाँ से अब निकलने की बारी है। फटाफट यहाँ पे गैस पहन के निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बाइक्स, बीच बीच में दो तीन पिलियन भी है। तो मुझे यहाँ से उतरना है, उधर से वो मनप्रीत है, ये मुनिंदा, ये कुंवरदा, रुपम से तो मैंने इंट्रो करवा ही दिया, ये है बंटी। फिलहाल अभी का प्लान है अमसोई, तो ये लास्ट में जाएगा, मैं आगे चला जाता हूँ। तो अभी का प्लानिंग है अमसोई। अमसोई के बाद मोरेगांव में एक जगह है, भूल गया, जो बुल फाइट है, असम का जो बुल फाइट है महजूज आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वहीं पे जाने का प्लान है। अभी कहाँ तक क्या हो पाता है
जाने के बाद ही पता चलेगा। साला अच्छा किया कल पेट्रोल भरवा लिया, ये तो आज पेट्रोल का थोड़ा सा इशू हो जाता। इसका ग्रुप में जाने का यही एक प्रॉब्लम है, बड़ा ग्रुप हो तो आगे वाला समझ नहीं पाता है कि पीछे सब कोई आ चुका है या नहीं, कोई रहेगा कि नहीं, और पीछे वाला उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और कन्फ्यूजन के वजह से राइड में बहुत रुकावट या खेद आ जाती है। यहाँ से अमसोई कुछ 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओए ओए स्पीड ब्रेकर, खुशी हो गम हो जो भी हो, हमें सिर्फ करना है राइड। ओ ये जस्ट दी मेरा वाला का छोटा वर्जन। जो रास्ता है ये जो पूरा बम्पी हो जाता है, ये देख बाइक अपने आप बबल कर रहा है, धर्म दूर तक ऐसा ही चलेगा। इसके बाद से रास्ता थोड़ा अच्छा है, ये नया बना हुआ है शायद। अच्छा लग रहा है, वो जो देख रहे हो ना वो सब फॉग है, पेरिफिल्स है, और उस तरफ जो पहाड़ है वो मेघालय का पहाड़ है, और बीच में फॉग, क्या नज़ारा है यार। इसका सर्वेसर की वजह से सुनाई नहीं देता यार, मेरा खुद क्या बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। देर के लिए रुके थे, ज़्यादा स्लो ही चल रहा है यार ये राइड, 40-50 ऐसे में जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। कौन रखे ना लगी से हाल लगी से हाँ फाइनली की बात है होल डिसीजन आज जाम सभी जने बोले हम आज जाम कोबाल जाम और जाम मनप्रीत कैसा लग रहा है? बढ़िया ना, स्पीड पे जाने से अच्छा और अच्छा लगेगा, अलग भले अलग स्पीड अप करने अच्छा लगेगा। सबको आगे जाने दिया ताकि थोड़ा सा हम भी स्पीड पे चला सके। पता नहीं क्या हुआ, शायद हम आगे ही चले आए, पूरा सारा का सारा ग्रुप आगे चला गया। अब फिर से वहाँ से यू टर्न लेके हम यहाँ तक आए, तो हम ज़्यादा ही आगे चले आए, तो यू टर्न लेके फिर से घूमना पड़ रहा है, सारा का सारा ग्रुप उधर चला गया। यही होता है ग्रुप में, अगर एक जन को पता है और दूसरे को पता नहीं है, इसको पता है तो ये मेरा पीछा करते करते आ गया यहाँ तक, मैं इसको ओवरटेक करके चलाया। इधर से था यहाँ पे लिखा हुआ है अमसोई। अरे ये ऑफ रोड आ गया यार, अरे हिमालयन तो सही जा रहा है, ये पीछे वाला ट्रेलर है ये भी सही जाएगा। बॉस सही है बॉस, क्या धाजू प्लेस है यार, अगर नहीं आता ना आज तो बहुत कुछ मिस कर जाता। अब ना मजा आ रहा है चलाने में। আমি সাইডে পাহাড়ে গুছি গলো আগত টিনাইল টু
হামসৰ লিখা যে তোমাৰ টার্নিং লব লাগে যে হ্যাঁ নহয় মেইন হাইৱে 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 তে আমি সিধা গুছি গলো না सो ये रहा अमसोई जो कि एक बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है ये पीछे सब बाइक रखा हुआ है एक्चुअली क्या हुआ हम लोग बहुत आगे चले गए थे वहाँ पे जो लेफ्ट टर्न लेना था उसको लेना भूल गए और एक्चुअली हमको पता भी नहीं है मैं उस बंदे को ओवरटेक करके मैं चला गया आगे और जाके देखा बंटी और मनप्रीत भी आगे रुका हुआ है पिकनिक स्पॉट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हाँ मेला जैसा बैठा हुआ है पीछे और ये एकदम पिकनिक मन है मन है एकदम पिकनिक जैसा फीलिंग आ रहा है चारों तरफ गाना बज रहा है बैठ के पिकनिक खाया लिया जाए क्या किसी महान पुरुष ने कहा है तो ऐसा ही माहौल चलिए चाहिए राइड के लिए थोड़ा एनर्जाइज करना भी पड़ता है इतना लॉन्ग राइड करने के बाद भी ज़्यादा कुछ दिखने लायक है नहीं जस्ट एक पिकनिक स्पॉट है जिसको हमने घूम लिया अभी प्लानिंग चल रहा है कोपाहोरा गोल के जो मैंने बोला था जो मुरीगांव में है बुल फाइट होता है वहाँ पे तो उसको जाने का देखने के लिए जाए या और एक यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है या वहाँ जाए तो उसका प्लानिंग चल रहा है ज़्यादा समय यहाँ पर रुकने का प्लान है नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है सब तैयार और निकल रहे हैं यहाँ से और कुपवाड़ा जा रहे हैं मौजूद देखने के लिए गांव के अंदर खेतों के बीच हम चला रहे हैं फटफटी सो ब्यूटीफुल मैन सो ब्यूटीफुल गजब मतलब गजब वाओ मैन वाओ अद्भुत मज़ेदार शानदार अरे अरे बाप रे ढोल मिट्टी अच्छा यहाँ पे पूरा मेला बैठा हुआ है ये देखो भैंसा हर कोई अपने अपने भैंसा लेके आया तो ये रहा हाँ यहाँ पे जो भैंसा का जो फाइट है वो दिखने को मिल जाएगा आपको बफेलो फाइट या बुल फाइट भी बोल सकते हो जो इटली में होता है बुल फाइट ये एसामीज वर्जन है मोहजूज बहुत भीड़ है ना बहुत भीड़ है एकदम मेला जैसा लगा हुआ है आके अच्छा लग रहा है हाँ आके अच्छा लग रहा है और अभी जा रहे हैं जो एक्चुअल जो जिसके लिए आए हैं यहाँ पे उसको देखने
मुझे कि एक सब्सक्राइबर मिल गया था, वो मुझे देख के बुला रहा था, बहुत धक्का मुक्की हो रहा था, उसी कारण यहाँ पे कैमरा संभालना फिर उसको शूट करना ये सब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव के लोग हैं, कुछ धक्का मुक्की लग जाएगा तो हल्ला कर सकता है। तो फिर समझा कि वहां से निकला जाए, जो एक दो शॉट था वो लेने की कोशिश किया। अब यहां से चलेंगे वापस, गर्मी भी लग रही है, भूख भी लगी है, सो फटाफट यहाँ पे तो इस रूट पे अगर अच्छा होटल मिल जाए तो खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर टाउन में जाके ही खाएंगे। ये टेम्पो तो मांगा कोट हुआ है कि वो कोई कोई नहीं है फालतू। बहुत धीरे यार, पसीना छूट गया। भूख भी लगी है, तो उसको पहले से बोल रहा था कि किसी ढाबे पे रुक जाते हैं, लंच वगैरह कर लेंगे हल्का फुल्का सा। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो मुझे। Till then, ride hard, ride safe, bye.